चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है ज्ञान मात्र है मैं शुद्ध चैतन्य मात्र न्यान मात्र भगवान आत्मा हो प्रति समय यह जागृति बनी रहे इस जागृति का नाम धर्म है देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बेहते प्रवाह के काल में देह की क्रिया और विकल्पों के बेहते प्रवाह की अनित्यता की असारता का बोध और नित्य ध्रुव न्यायक देव कुटस्थ चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा की जागृति यह जागृति परम धर्म है हे वितरागी परमात्मा मैं आपको याद करूं ऐसा नहीं मैं आपको कदापि न भूलू मगर मुझे पर में ही तन्मय होकर पर में ही मस्त होकर देह को त्यागना नहीं है इसलिए हे वितरागी परमात्मा देहांत के समय अब मैं आपको भी नहीं मैं अपने आत्मस्वरूप में लीन होने की भावना पाता हूं भोग भी क्षणिक है और पराए भगवान भी क्षणिक है भोग भी क्षणिक है और योग भी क्षणिक है टिककर रहने वाला यदि कोई है तो भोग और उपभोग से न्यारा यह सत्ता स्वरूप उपयोग है यह उपयोग मात्र यह ज्ञान मात्र ज्ञायक देव ही मैं हूं अंतर की चैतन्य सत्ता के साथ में यदि एक समय के लिए भी नाता जुड़ जाए तो पर्यायो की अनित्यता प्रभावित नहीं कर पाती ठीर पर्यायों का जो क्षण स्वरूप है वह ज्ञान में जानने पे तो आता है मगर ज्ञान उससे प्रभावित नहीं होता ज्ञान निर्लेप होकर अपने ज्ञान रूप ही अपने स्वभाव रूप ही परिणमित होता है विकल्पों के माध्यम से कितना भी भोगों को भोगा जाता हो मगर जिसके भीतर में चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति हो चुकी है वह उन विकल्पों को बिल्कुल ही जड़ की जाति का जानता है जड़ रूप ही परिणमित होता हुआ देखता है और विकल्प की किंचित भी फिक्र किए बिना विकल्प में किंचित भी रस लिए बिना वह स्वयं में ही स्वयं का अनुभव करता मैं चैतन्य परमात्मा हूं मैं चैतन्य परमात्मा हूं मैं चैतन्य परमात्मा हूं इस प्रकार के विचार से नहीं इस प्रकार के विकल्प से नहीं मगर अनुभव से यह जो मुझे अनुभव में आ रहा है यह इंद्रियों के विषयों का भोग नहीं है यह अनुभव में आ रहा है यह मेरा ज्ञान है यह ज्ञान है यह ज्ञान है यह ज्ञान है ये ज्ञान में ही और उसका प्रमाण निराकुलता है निराकुलता है जितनी भी आकुलता होती उसे वहां पर ही अलग करके पहचान लेता है पहले पहचानता है दूर होने से पहले पहचाने तो लक्षणों से यह पहचान लेता है लक्षणों से पहचाने तो फिर दूरी अब दूरी होने में देर नहीं लगेगी मगर लक्षणों से पहचाने डॉक्टर सबसे पहले जब कैंसर की गठान का ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करने से पहले यह पहचानता है कि गठान कैसी होती है गठान कहां तक है गठान कैसी है यह पहचान लेता है कि ऐसा ना हो जाए कि गठान को पूरी तरह से न पहचाने और गठान का थोड़ा भी अंश रह जाए तो फिर वो गठान बड़ी होगी और बीमारी मिटेगी नहीं थोड़े दिन के लिए दिखाई नहीं देगी मगर अंदर ही अंदर और खतरनाक सिद्ध होगी क्योंकि जब वह गठान बड़ी होगी तब तो बड़ी ही नहीं होगी और फिर भीतर में भी शरीर में और ज्यादा गहराई में फैलेगी इसलिए डॉक्टर उस गठान को पहले पहचान लेता है इसलिए ज्ञानी ने विकल्पों को पहचाना ये विकल्प है क्या जिन विकल्पों से इंद्रियों के सुख को भोगा जाता है वे विकल्प क्या है वह इच्छा क्या है वह सुख की जो कल्पना है वह कल्पना क्या है और यह कल्पना पैदा क्यों होती है आज उस विषय पर मुनिवर राम सिंह हमें समझाते हैं इंद्रियों के विषय के भोगों की कल्पना यह पैदा होती है होती है क्यों स्वरूप की जागृति के अभाव में आत्म जागृति के अभाव में वो इंद्रियों के विषयों में सुख लेने का भाव है ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में अंतर यह है अज्ञानी को भी विकल्प आते हैं ज्ञानी को भी विकल्प आते हैं ज्ञानी सुख को भोगने के लिए वो विकल्प को लाता नहीं है वो पुराने जो संस्कार थे अभी जड़ मूल से निकले नहीं है वे अभी उदय में आ रहे हैं वे भाव भाव अभी अभी चल रहे हैं, मगर वह नए उत्पन्न नहीं हुए ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व का आश्रय जिसके बल पर अब वह भाव हो रहे हैं मगर उन भावों को लाने वाला खींचने वाला उन भावों को पैदा करने वाला उसका जन्मदाता जो मोह था वह मोह मर गया इससे ऐसा मत समझना कि भोगों को भोगने के लिए छूट दी है वह ज्ञानियों के लिए है अज्ञानी के लिए यह छूट नहीं है उनके अंतर में यह मोह का भाव नहीं रहा है इस वजह से मुनिवर राम से ये कहते हैं कि इंद्रियों के विषय के भोग हैं वे दो दिन के माइकल जैक्सन का वीडियो हमने देखा माइकल जैक्सन की जिंदगी के बारे में यह समझा कि क्षण भंगुरता का बोध और ऐसे ही ये देह की क्षण भंगुरता जितना भी व्यवस्थित संसार अभी चल रहा है और ऐसा लगता है कि सब कुछ देखो कितना सुव्यवस्थित ठीक तरह से अच्छी तरह से चल रहा है और अगले समय क्या होगा पता नहीं मगर पहले से ही जो तैयार है पहले से ही जो उसमें गिरा हुआ नहीं है उसके लिए सब कुछ अब सहज है यही कारण है इंद्रियों के विषय के भोग भोगने वाला इतना बड़ा पापी दिखाई देता है वो ऐसा ही कीड़े मकोड़े की तरह दिखाई देता है इसलिए पंडितों की समझ में ये बात नहीं आ सकती इसलिए आग्रहियों की समझ में ये बात आ ही नहीं सकती इसलिए वो शास्त्र में पढ़ सकते हैं मगर अंतर से समझ में आना ये अलग है और शास्त्र में हा में हा मिला देना अलग है वे सुन लेंगे वे पढ़ लेंगे कि महावीर भगवान को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था महावीर भगवान ने हिरण का शिकार किया था शेर की पर्याय में वो शेर मांसाहारी था शेर के मुंह में मांस था कुल्ला किया नहीं था और क्रूर परिणामी था ऐसा जंगल का जानवर व शेर जो जंगल का राजा ऐसा शेर और ऐसे शेर में परिवर्तन आया परिवर्तन आया ये सुन लेता है ये पंडित मगर उसे ये पता चले कि किसी ने किसी आतंकवादी ने ये चैतन्य की पुकार सुनी या किसी मांसाहारी मनुष्य ने ये वाणी सुनी मांसाहारी दूर चलो इतना ही ले लो किसी किट्टी पार्टी करने वाली महिलाओं ने चैतन्य की पुकार सुनी मगर पंडित से वह नहीं देखा जाएगा कि यह कैसे पाएंगे और अभी मैं उन महिलाओं को मिलकर के आया विषय के भोगों में पड़े हुए भी एक बात तो उनके हृदय में भी छूती है कि बात तो यही है अहंकार से ऊपर उठना ही होगा भोगों में पड़े हुए को भी यह समझ में तो आ रहा है न और आज रात्रि में सत्संग में वे महिला आए आएगी आज रात्रि के प्रवचन में आएगी मैं सिर्फ उन्हें खींचने के लिए वहां पहुंच गया था आज रात को देखना एक खाली बहाना था एक खाली निमित्त था आज रात को वे आएगी इंद्रिय विषय के भोग दो दिन के हैं मगर दो दिन के भोग हैं वह भोग दो दिन के हैं वो बीमार है ना वो मरीज है ना और मरीज को इतना नीचा क्यों देखता है वो मुर्दा नहीं है वो जिंदा है बीमार है बीमार होना और मुर्दा होना अंतर है बीमार है तो बीमारी दूर हो सकती है मुर्दा है तो जिंदा नहीं होगा ऐसे ही अंतर में जागृति कि यह राग और द्वेष की कितनी भी विकृति होगी क्योंकि जिसने स्वभाव की शुद्धता को पहचाना है उसके लिए यह विकृति कितनी भी होगी वह विकृति उसके लिए ऐसी नहीं लगेगी कि वह बस कीड़ा मकोड़ा वह कीचड़ परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है वो उसको एक और रहने देता है काम की बात करता है मैं ज्ञाय तू न्यायक चल पहले ये बात कर मगर ये बात सभी की समझ में नहीं आएगी क्योंकि दिमाग में इतनी पूर्व धारणा पड़ी हुई है इसलिए इस बात के स्वीकार में तकलीफ होगी मुनि व राम से आज इसी को कहते हैं कि इंद्रिय विषय के भोग जो है वह सुख जो है वह दो दिन का है ये दो दिन का कहने की बात है वास्तव में तो इतना क्षणिक होता है कुछ भी पांच इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय का विषय का सुख विकल्प की जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक पाने का विकल्प है पाने का विकल्प है और वह विकल्प में भी और कुछ भी नहीं है अहंकार है कहीं ना कहीं अंत में देखोगे तो वह अहंकार है एक सुंदर स्त्री को मैं पालू और सुंदर स्त्री से रिश्ता जुड़ गया शादी हो गई पा लिया पाने के बाद में फिर नजर फिर पराई स्त्री पर क्यों गई वो ऐसे ही गई है जैसे स्त्री पर गई थी पहले नजर वो तो पराई स्त्री पर नजर क्यों गई पुरुष जब स्त्री को भोगता है वो भोगता नहीं है उसे जीत लेना चाहता है मैंने उसे जीत लिया उसे वश में कर लिया अभी दूसरी स्त्रियों को वश में करना बाकी है मेरा जो अहंकार है पाने का इसे पालू वह पा लिया इसलिए तो विकल्प की पूर्ति में सुख है वहां भोगने में कोई सुख नहीं है विकल्प की पूर्ति में वो विकल्प 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 की पूर्ति में सुख है इसलिए तो विकल्प चलते ही रहते और वो विकल्प में भी सुख की कल्पना करता है विकल्प में रहते हुए सुख की कल्पना करता है मैं वहां जाऊंगा मैं ये करूंगा मैं इसे मिलूंगा ये जो कल्पना चलती ना वो कल्पना भी एक आशा रहती है उस आशा के बल पर ही तो अभी सुख भी लग रहा है एक आशा है वो सुख अंदर में ही अंदर में कल्पना में मनाती है कि आशा है कल सुख मिलेगा इसलिए तो बुढ़ापे में धर्म करेंगे इस आशा में ही तो अभी शांति से बैठे हैं और बुढ़ापे में धर्म हो नहीं पाता तब भी फिर अंदर में शांत क्यों हो जाते हैं, मजा क्यों लेते धर्म तो नहीं हो रहा तब फिर आसपास में पंडित लोग बैठ करके उसे समझाते चिंता मत करो इस भव में नहीं हुआ तो अगले भव में होगा फिर एक और आशा कि आज नहीं तो कभी होगा भविष्य की आशा में ही सुख की कल्पना है और ज्ञानी का सुख नगद है अभी अनुभूति अभी सुख कल नहीं और ये तुम हो सकते हो अभी इसी समय सुख की अनुभूति हो सकती है वर्तमान में ही रहकर के कल नहीं अभी बर्फ पर हाथ लगाया ठंडा अनुभव अग्नि में हाथ लगाया गर्म का अनुभव ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति वर्तमान में कल पर क्यों टालना धर्म उसका नाम नहीं है कि कल पर टाला जाए जिसे हम कल पर टालते हैं वो कल पर टालना वो धर्म नहीं है वो हमारे विकल्प की पूर्ति है और धर्म विकल्प की पूर्ति नहीं है धर्म विकल्प से ऊपर उठ जाने का नाम विकल्प को पूरा करने का नाम धर्म नहीं है इंद्रिय विषय के भोग तो बस कल मुझे यह वस्तु मिलेगी तो मैं सुख सुखी हो जाऊंगा मगर कल मुझे यह वस्तु मिलेगी तो ना और आज जितनी भी वस्तु मेरे घर में पड़ी है उन वस्तुओं के बारे में भी मेरा कल यही ख्याल था कि ये सब वस्तु मुझे मिल जाएगी तो सुख मिलेगा तुम जरा विचार करना अपने घर में जितने भी शोपीस रखे हैं जितनी भी वस्तुएं अपने घर में भरकर के रखी साड़ी रखी है गहने रखे जब वो नहीं खरीदा था और दुकान पर खरीदने गए थे जब जा रहे थे तब अंतर में कल्पना कैसी थी ये मिल जाएगा तो कितनी शांति मिलेगी कितना मजा आएगा मेरे पास में भी ऐसा गहना होगा मेरे पास में भी ऐसे वस्त्र होंगे मेरा भी एक घर होगा लोग नया घर खरीदते हैं तो कितनी कितनी तैयारी करते हैं कितने सपने देखते हैं इसका फर्नीचर ऐसा करेंगे इसकी डिजाइन ऐसी करेंगे अलग अलग न जाने कितनी कल्पनाएं होती मगर वहां जाते ही दो चार दिन में बिल्कुल ठीक है अब सुना सुना क्यों लगता है लगेगा लगेगा क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं रही पहले जो सुख था वह एक आशा के बल पर था कि कल सुख मिलेगा घर पालूंगा सुख मिलेगा कल घर पाऊंगा सुख मिलेगा तो एक मजा भी आ रहा था और घर पा लिया अब कौन नहीं रहा आशा नहीं रही अब कुछ पाने को नहीं रहा पा तो लिया अब क्या करूं और उसका सुख वो कल्पना में था अब कल्पना किसकी करे तब फिर सोचता है इस घर में थोड़ा और नया फर्नीचर डाल दूंगा फिर नई आशा हुई तब फिर सुख मानने लगा अज्ञानी का जो सुख एक आशा के ऊपर होता है अब उस समय आशा नहीं रही ये आशा नहीं रही विकल्प 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 विकल। वो विकल्प न रहा कि अरे अब सुख नहीं रहा कोई पुरुष स्त्री को भोगता है भोगता है भोगता है भोगता है तो विकल्प से ही तो भोगता है और भोग पूरा हुआ अब वो विकल्प नहीं है अब कहता है अब सुख नहीं है सुख नहीं है माने क्या अब वो विकल्प नहीं है माना था कि विकल्प में सुख है और वो सुख अब नहीं है माने विकल्प अब नहीं है और ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल अलग है वो समझते है कि कोई भी वस्तु रसगुल्ला जी जिप के ऊपर रखा यहां पर मगर पहले से ही उसका अंत जान लिया है भोगने से पहले ही अंत जान लिया रसगुल्ला थाली में है तभी उसको देख लिया है कि टॉयलेट में वहां पड़ा हुआ इसलिए अभी से ही वो खाते समय वो खाने के लिए खाता है मगर उसमें से कुछ लेने के लिए नहीं खाता है यही तो ज्ञानी की स्थिति है चक्रवर्ती खीर खाते है मगर उस खीर में वो सुख बुद्धि सुख की कल्पना नहीं है सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती वो खाते हुए होने पर भी उसमें रस नहीं लेते पूरी तरह से अपने चित्त की अंतर की चंचलता को देखना कितने कितने आयोजन होते ये खाऊंगा ये खाऊंगा ये खाऊंगा ये खाऊंगा और कभी कभी वस्तुओं को देख करके ही पेट भर जाता एक आशा है बाद में कभी मिलेगा बाद में कभी मिलेगा एक आशा है आपने कभी अनुभव किया थाली में भोजन जब आता है मानो 25 वस्तु थाली में आई होगी मगर सबसे पहली वस्तु थाली में से आप कौन सी खाते हैं जो नहीं अच्छी लगती होगी वो पहले खाते नहीं अच्छी लगती वो वस्तु एंड में नहीं खाई होगी मैं तो ऐसा करता हूं प्रामाणिकता से कहता हूं लौकी की सब्जी है और मटर की भी सब्जी मिर्ची भी है तो लौकी की सब्जी पहले खा लेता हूं क्यों क्योंकि लौकी की सब्जी खाते समय एक आशा रहेगी इसमें तो सुख नहीं है मगर वो मटर में सुख है ना आगे और मटर की खाली तो पहले से ही पता है इसमें भी सुख नहीं मिला तो लौकी में तो और हालत खतरनाक हो जाएगी फिर तो वो लौकी छोड़नी पड़ेगी वो भविष्य की जो आशा और कल्पना है उसके बल पर ही हम जिंदा रहते हैं ये आशा के कारण हम जिंदा है आशा अमर है कहते हैं आशा अमर है वो मार मरने नहीं देती वो कहते यही तो जिंदगी है एक आशा के बल पर ये जिंदा है यहां पर पता चले कि मेरा बेटा अभी परदेश गया है और वहां पर परदेश में वो है अब पता चला है कि वो जिंदा है मगर भारत कभी वापस नहीं लौटेगा एक ये समाचार मां बाप को मिले कि मेरा बेटा वापस कभी नहीं आएगा और दूसरा समाचार ये मिले कि मेरा बेटा मर गया तो मर गया वाला समाचार ज्यादा दुखदायक लगेगा उससे कि मेरा बेटा वापिस कभी नहीं आएगा क्यों क्योंकि वापिस कभी नहीं आएगा चलो ठीक है मगर एक संभावना है कि कभी आ सकता है जिंदा है ना तो कभी आ सकता है उस आशा के कारण अंदर मन को एक शांति मिलती है यह शांति मिलती है हे ज्ञान दीपक तू चिंता मत कर तुझे सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा 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 और होगा तो तू खुश होता है क्योंकि आशा है होगा होगा और होगा उसमें भी जो तुझे मजा आता है वो आशा का मजा है कि भविष्य में सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा माने वर्तमान में मैं ज्ञायक हूं उसका मजा नहीं है सम्यक दर्शन होगा 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 उसका मजा है मैं न्यायक हूं सम्यक दर्शन होगा क्या सम्यक दर्शन होगा वो ऐसा लोभ ये भिक्षा पात्र सम्यक दर्शन का नहीं फैला तो सम्यक दर्शन कब होगा सम्यक दर्शन कब होगा गुरु के सामने जाकर शिष्य कहता है मुझे आत्मा दीजिए मुझे सम्यक दर्शन दे दीजिए मुझे सम्यक दर्शन दे दीजिए गुरु उस भिक्षा पात्र को उठा करके फेंक देता है हटाई इसको ये विकल्प का भिक्षा पात्र लेकर के गुरु के पास में गया गुरु कहता है विकल्प को हटा उस भिक्षा पात्र को हटा क्योंकि इस भिक्षा पात्र में दर्शन नहीं आता जो रत्न तेरी तिजोड़ी में भरा है और वह तू उसे देखता नहीं है और तू मेरे पास में भिख मांगने आता है और मेरे पास में दो सम्यक दर्शन नहीं है कि मैं एक अपने पास में रखूं और एक तेरे को दूं और तेरे पास में कुछ कमी नहीं है एक आदमी को कहा कि मैं आपके घर पर ठहरने वाला हूं आने वाला हूं वहां ठहरूंगा उसने कहा कि मेरे घर पर जगह नहीं है मना कर दिया तुम्हारे घर पर जगह नहीं है ठीक है जगह नहीं है तो तुम मेरे घर पर आ जाओ नहीं 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 हमारे घर पर जगह है यह नाटक क्यों कभी कहते हो जगह नहीं है कभी कहते हो जगह है जगह नहीं है यह भी सच है और जगह है यह भी सच है जगह नहीं है यह सच, सच है कि पराये के लिए जगह नहीं है और जगह है यह भी सच है अपने को डने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है मैं ऐसा ज्ञान स्वरूप कि विकल्प कह आऊ जगह नहीं है तो विकल्प मेरे पास नहीं मेरे पास में है जगह अपने में रहू ऐसा तो परिपूर्ण हूं और पर में जा सकता नहीं हूं ऐसा अंतर में मैं चैतन्य हूं इंद्रिय विषय के भोग दो दिन के हैं ये सब में लेना ये सभी में लेना इसलिए ज्ञानी को सब में ऐसा ही दिखाई देता है ये जितने भी शोपीस है ना ये जितने भी शोपीस आपको पीछे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे कि थोड़ा बड़ा करूं ये जितने भी शोपीस है ये सब कैसे चमक रहे कैसे चमक रहे ये सब दस रुपये का एक है क्यों भाई कोई दस रुपये का पांच का दो नहीं बोला नहीं तो मैं तो पांच का दो ही वहां से ही शुरुआत करता हम तो जिस दुकान में बैठते पांच की दो ही बेचते आज सेठ की कुर्सी पर बैठ गया हो पांच पांच दस दस रुपए का चमकता हुआ माल है ज्यादा जागह वो पंद्रह बीस रुपए का होगा और कितने का होगा ये सब ठीक है चमकता हुआ दुनिया की कोई भी वस्तु चमकती होने सस्ती समझना जितनी ज्यादा चमकती है उतनी ज्यादा सस्ती है इसलिए असली सोने से भी ज्यादा चमकता हुआ नकली सोना आता बिल्कुल प्योर ऐसा लगेगा अरे ऐ सोना बुद्ध की मूर्ति को देखा था दो चार दिन पहले ही वहां ओडिशा में वहां पर हमने एक सत्संग किया था कि अरे वह कैसी मूर्ति मगर जिनकी मूर्ति है उस बुद्ध का कहा क्या पता कहां पर है वे बुद्ध वो बुद्ध का शरीर का अभी पता नहीं है तो ये बुद्ध की मूर्ति भी कहां टिकेगी ये सब क्षणिक है अभी ये बोल पा रहा हूं कल कला खराब हो जाएगा अभी तुम बैठ पा रहे हो कल रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी बेड पर लेटे लेटे सुनना पड़ेगा ये सब में इतनी और क्षण भंगुरता ये होगा ही होगा सुबह उठ तू और यदि तू आवाज निकले यह जगत सारा क्षणिक धन्यवाद अभी गला ठीक है बाकी तो ये खराब होने के लिए ही बना है जैसे ही पलंग से उठ अरे आंख खुली की अरे एक और दिन आंख खुले के तुरंत एक और दिन मिला वरना कोई संभावना नहीं थी कदम कदम पर जागृति ये जागृति बेहोशी ये हमें ये दिखाती है सिखाती है हम जहां पर ठहरे हैं, वहां पर वो जो ऊंचा नीचा कमरा है ना इस तरह का आयोजन करने वाले को यह पूरा एक बार देख लेना चाहिए ये कोई भी व्यक्ति वहां गिरे कितने गिरे के सात आठ तो गिर गए हाँ कौन 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 गिरे यहाँ पर एक दो तीन चार पांच और मैं, इतने गिरे क्योंकि वो एक रूम के अंदर थोड़ा भाग ऊंचा और थोड़ा भाग नीचा जैसे सीढ़ी बनी हुई कमरे के अंदर ही तो गिर गए बा गिर गई बाघ को फ्रैक्चर हो गया कमरे के अंदर ऐसा कमरा मगर मैं भावना पाता हूं ज्यादा से ज्यादा कमरे ऐसे ही लेना अगली शिविर में कि जिससे जागृति का अभ्यास हो जो बेहोश चल रहे चल रहे भाग रहे दौड़ रहे नहीं फिर एक एक कदम जो मैं कहता ना जस्ट बी अवेयर ईच एंड एवरी मोमेंट तो अब जब तुम एक एक कदम आगे बढ़ाओगे मैं तो कहता हूं चलने के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था की है ना ऐसे ही बोलने में भी कुछ व्यवस्था हो ऐसे ही हाथ हिलने में भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां पूरी तरह से सावधानी के साथ में ये जागृत कराने के लिए ये प्रकृति व्यवस्था करती है कि क्या करे ऐसे ही मैं तो ऐसे ही चलने गया था और गिर गया नई नई जगह आप चिंता मत करो सब आपको कुछ नहीं हुआ मतलब क्यों बोले आप तो रोज नई नई होटल बदलते रहते हैं तो आदत होती है कि संभाल करके चलने की और मैंने ही उनको कहा कि हाँ मेरी आदत ही है तो मैं तो जहां जाता हूं रोज तुम्हारे घर की तरह नहीं होता कि आज इस घर में ही चलना है बस मेरा तो एक एक रात से दूसरी रात दूसरी होटल तीसरी रात तीसरी होटल कब भी कोई एकाद ऐसी होटल होगी जहां दो रात ठहरा हूं नहीं तो निकल जाता हूं तो मैं तो सावधान ही रहता हूं ऐसा कहने वाला खुद गिर गया <laughs> रात को तब कबीर याद आए कबीरा गर्व न कीजिए <laughs> तुम तो कितने ऊंचे सावधान रहते हो कोई भी गिर सकता है जागृति 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 धन्य है ऐसा प्रयोग के लिए सच कहता हूं प्रयोग के लिए ऐसे एक एक कदम पर मैं यहां बैठा हूं यहां ठीक तो बैठा हूं यहां कोई कुर्सी टूटी हुई तो नहीं है तो सावधान यहां जहां बैठा हूं वहां पर ऊपर तो सब ठीक है कुछ गिरने वाला तो नहीं है अपनी जो बेहोशी होती है ना बेहोशी की वजह से ऐसा लगता है बिल्कुल बेहोश है सुबह से रात तक की हमारी जो जिंदगी है उस जिंदगी में मशीन की तरह ये जिंदगी जी जा रही है उसमें जागृति नहीं है मशीन की तरह ये जिंदगी है ऐसा ही होता है क्योंकि रोज क्या होता है कि रात को बेड से उठे और सीधे ही टॉयलेट की ओर गए और फिर टॉयलेट से फिर बेड की ओर आए तो जो आदत होती है उस तरह से ही चले हैं कि जिस जैसे कमरे में रोज चाहते ऐसे ही मगर यहां पर सीढ़ी बनी है ये किसको पता है और उसमें भी गहरी नींद में कहां याद आएगा और शरीर गिर गया मगर खास बात यह कि ज्ञानियों से ऐसी भूल हो सकती है शरीर गिर जाए निंद में हो, मगर उस निंद में भी ज्ञायक को गिरता हुआ नहीं देखते हैं, कभी नहीं देखते कि ज्ञायक गिरा विकल्प की खाई में एमें गिरा एमें गिरा ऐसा भाव आया गिर गया गिरा। मगर उसमें ज्ञायक इस विकल्प में गिरा ही नहीं है वो सत्ता जो है उस सत्ता की पकड़ ऐसा देह गिरे हड्डी टूट जाए फ्रैक्चर हो जाए मगर वो श्रद्धा नहीं छूटती इस श्रद्धा का नाम धर्म है देखो मुनिवर राम सिंह ये कहते इंद्रिय विषय के भोग तो सुख तो दो दिन के हैं दोहा पढ़ते हैं सुख अडा दुई दीव हड़ई पुणो दुख हम परिवाड़ी हियडा हम पई सिख वमी चित करी इस संसार में इंद्रिय सुख तो दो दिन के है फिर तो दुखों की ही परिपाटी है इस कारण हे हृदय मैं तुझे सिखाता हूं कि तेरे चित्त को तू बाढ़ लगा अर्थात मर्यादा में रख और उसको सच्चे मार्ग में लगा इंद्रिय विषयों के सुख तो दो दिन के हैं क्योंकि जिससे वह भोगा जा रहा है ये तो बोलने की भाषा है दो दिन के ये दो दिन के भी नहीं है एक समय के लिए ही समय समय में पलटता समय 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 में पलटता है। एक शराबी ने किसी को पैसा उधार दिया था और उस आदमी को पहचानता नहीं था जिसको उधार दिया खाली इतनी पहचान थी कि बाजार में वो यहां खड़ा रहता है मगर कहां खड़ा रहता है पैसा देने के बाद में उसने पहचान पक्की कर ली कि कैसे मिलूंगा इस आदमी को कि मिलूंगा तो वहां पर एक भैंस रहती थी कि ये भैंस जहां सामने है ना जो व्यक्ति है इस व्यक्ति से मुझे पैसे लेने दूसरे दिन आया भैंस थी ही नहीं उसने जो पहचान का निशान बनाया है वो निशान खुद अनित्य है वो चला जाता है वो व्यक्ति कभी उसे जिंदगी में दोबारा नहीं मिला पैसा गया ये सुख की जो निशानी है सुख की निशानी अज्ञानी का सुख ऐसा है अज्ञानी का सुख ऐसा है अज्ञानी कहते ही अपने को अलग मत कर देना ये कोई अज्ञानी की बात है और मैं ज्ञानी हूं हे वितरागी परमात्मा मैं भी ऐसा ही था हे वितरागी परमात्मा मैं अभी ऐसे पाप के कीचड़ में अभी मैं पड़ा हूं हे वितरागी परमात्मा वितरागी परमात्मा अब आदती जीवन से छुटकारा हो और प्रामाणिक जीवन की शुरुआत हो आदती जीवन से छुटकारा हो बस आदती जीवन आद्य जीवन आदति जीवन आदति जीवन ये इसको बेहोशी वाला जीवन ये बेहोशी वाला जीवन निश्चय को किसी ने पूछा था तुम्हारी साधना क्या है से कहता है भूख लगती है तब भोजन करता हूं प्यास लगती है तो पानी पीता हूं नींद आती है तब सो जाता हूं कि इसमें साधना क्या हो गई ये तो सब करते हैं ये सब नहीं करते हैं नहीं करते है। नींद आती है तो सो नहीं जाते सुबह चार बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना ही है नींद आती हो तो भी उठना है और नींद नहीं आती हो तो भी बस लेट जाना है ये आती जीवन ये आती जीवन इसलिए तो ये समझ में नहीं आता काश 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 ये सभी के समझ में इसलिए नहीं आता आदती जीवन ये आदती जीवन आदति जीवन हो ओ हो ओ, ओ, ओ। उस स्थिति से ऐसा ही लगता है अपन भोजन दोपहर में करते हैं अब शाम को जब रात हो जाती है ना तो रात अब यहाँ पर जल्दी हो जाती है पांच साढ़े पांच बजे रात हो जाती है। तो दोपहर का भोजन हम बारह बजे कर लेते हैं कि एक एक दो दो बजे भोजन करेंगे तो शाम को क्या खाएंगे शाम को भूख लगी है इसलिए नहीं खाना है शाम को खाना है इसलिए भूख लगाने का इंतजाम करते हैं बिल्कुल उल्टी बात है इसलिए सहज यही चैतन्य 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 की मस्ती देह की क्रिया देह में होती है मगर उसकी परवाह ही नहीं करता ऐसी चैतन्य की अंतर की मस्ती और पुरुषार्थ अपने जगत में ही अपने चैतन्य के जगत में वास करता हुआ ज्ञानी अपने में ही रहता है जो कुछ भी है वो सब वो सब छोटा-छोटा पाप है उसे तुम इतना बड़ा बात का बतंगड़ मत करना बहुत छोटा-छोटा पाप है यदि तुम किसी पार्टी में चले गए वो इतना बड़ा पाप नहीं है किसी शादी में चले गए इतना बड़ा पाप नहीं है किसी ने अच्छे कपड़े पहने और तुमने तारीफ कर दी अरे तुमने कितना बड़ा बस मिथ्यात्व का बंद कर दिया दूसरे की अनुमोदना कर दी तुमने उसके राग की अनुमोद न करती अज्ञानी बात का करता है वो तो राय को पहाड़ बनाता है और जो असल में जो पहाड़ जैसा काम कर रहा है ऐसा मिथ्यात्व ऐसा ऐसा का एसा ही सेफ में पड़ा रहता है उसको तो हाथ तक नहीं लगाता उसका कोई ऑपरेशन का इंजाम नहीं होता और हम धन्य भागी है गुरुदेव मिले हैं देव मिले है कि जड़ मूल से पहले तू इस मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए स्वरूप को समझ बस बाकी की बात बाद में कर लेंगे जे स्वरूप समझा ना पामे दुखन स्वरूप को समझ स्वरूप को समझ मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं बस मैं भगवान आत्मा हूं ठीक है ठीक है ठीक है ओ, हो, हो। ज्ञान 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 ऐसा जब तू ज्ञान का ऐसा ही प्रयोग कर ज्ञान ने भोगा था या ज्ञान ने जाना था तुरंत तो ही यो अपनी निशानी बदल दे अब ये प्रयोग शुरू कर देख आज क्या प्रयोग करना है ये प्रयोग के ज्ञान जो है वह ज्ञान करता है या फिर जानता है ज्ञान भोगता है कि फिर जानता है तो जो जानने का ही जिसका स्वभाव है उसकी जाति जो है उसका स्वभाव जो है उसका परिणमन जो है भगवान उसमें जो उसमें है ही नहीं उसको क्यों घुसाना मिलाना उसके अंदर ज्ञान का कार्य मात्र जानना है जानना है ऐसा तू अंतर में अनुभव मैं ज्ञान स्वरूप हूं मैं ज्ञान स्वरूप हूं मैं ज्ञान स्वरूप हूं ये ज्ञान 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 स्वरूप हूं तो ये विकल्प कौन है विकल्प का कार्य विकल्प जाने ये विकल्प जिससे होते हैं वह, वह जाने मैं नहीं हूं न फिर उसके विशेषों में जाने से भी मुझे लाभ क्या है जब वो मैं नहीं हूं इतनी भी ओ हो ज्ञान उस रूप में परिणमित हो रहा है ज्ञान इसमें अंदर में आकर के कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है ज्ञान, ज्ञान 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 विकल्प में मिलता नहीं विकल्प ज्ञान में मिलता नहीं और अपनी पहचान ज्ञान से हे मूठ हे पापी हे अज्ञानी हे सप्त व्यसन का सेवन करने वाला सेवनी हे घोर मिथ्या दृष्टि हे गृहित मिथ्या दृष्टि हे पागल है मूड ऐसे कठोर शब्द हैं ये शब्द भी तेरे कान में पड़े तो तू इतना 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 लिप्त हो जा कि तुझे कुछ भी न हो और कुछ भी न हो नहीं उस समय तू तेरे ज्ञान के आनंद की मस्ती को तो छोड़ नहीं क्योंकि ये तो भैया हे चैतन्य परमात्मा ये दुनिया है ये दुनिया कहेगी तो अच्छा है ये दुनिया कहेगी तो बुरा है ये दुनिया कहेगी तो सुंदर दिखता है ये दुनिया कहेगी तो कुरूप दिखता है यहां दुनिया में तरह तरह के लोग हैं यहाँ दुनिया में तरह तरह के संयोग है तो किसका गुलाम बनेगा इसलिए मैं यहाँ आया ही नहीं ऐसा चैतन्य का जोर ज्ञान ज्ञेय के अंदर आया ज्ञान देह के अंदर आया जब नहीं आया तो मैं कहा वहां आया मेरी पहचान ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है और कहा जाने के लिए ये ज्ञान है ज्ञान कहीं जाने आने के लिए नहीं होता ज्ञान तो सत्ता रूप होता है उसमें आने जाने की बात मत कर भाई तो यहां आने जाने की बात तब अंदर में ऐसा विचार करेगा तब तू तो अंदर में जाएगा मैं तुझसे वादा करता हूं मैं तुझसे वादा करता हूं यदि तू सच्चे हृदय से भाव से भिक्कर के कुल परंपरा छोड़ करके यदि भाव से भिक्कर के यही जोर दे कि मैं ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र तो तू इंद्रियों में कहीं पर भी नहीं तू विकल्पों में कहीं पर भी नहीं है फिर इन परमाणुओं में ज्ञान की सत्ता रूप मानेगा ही नहीं तू संत हो गया फिर तू भरत हो गया घर में रह करके वैरागी हो बस फिर तेरा मरण भी नहीं है मरण नहीं है तेरा फिर वो संस्कार अंतर में तेरे अंतर में आ गए मैंने ऐसे ज्ञान दीपक देखे हैं सुने हैं जिन्होंने इतना जिंदगी भर जिसके परिवार में सामाई पूजा भक्ति व्रत हुआ मरते समय तड़पते नहीं बंद करो ये चैतन्य 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 की पुकार नहीं सुननी ये नहीं सुननी ऐसा कहने वाले और अभी आज मैं दोपहर में एक दादी माँ को मिलकर के आया जिनको कभी नहीं मिला एक दीपक के पड़ोसी को मिलकर आया उनको देख करके के ही जो भाव आया जिंदगी में पहली बार मिले दो दिन के मेहमान लगते हैं मरण होने की तैयारी में है उसका वीडियो लिया है कि नहीं लिया है लिया है ना वो वीडियो इनको सबको दिखाना तुम्हें पता चले कि मरती हुई व्यक्ति जिसने चैतन्य इस भव में नहीं सुना है मगर पूर्व भव का साधक वो जिस तरह से मौत की घड़ी में शरीर हिलता नहीं था हाथ कहां से ऐसे 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 कर करके कर ऐसे ऐसे करते करते ऐसा हाथ जोड़ करके फिर वाणी सुनते हैं ऐसा करते हुए चैतन्य 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 अभी दो दिन के लिए मेहमान है ऐसा परिवारजन कहते इसलिए मुझे लेके गए कि एक बार उनके पड़ोसी को बोला आपके गुरु आए हैं तो उनको लेकर के आओ नहीं यहां पर मैं सब काम छोड़ करके पहले उधर गया क्योंकि इमरजेंसी केस होता है वहां जल्दी जाता हूं क्या पता वो जिंदगी में एक पछतावा हो जाए कि अरे एक मौका था किसी जीव के पास में वो पुकार करने का और आज तक के सब निर्णय उस मामले में सच्चे लिए हैं जिन्हें भी चैतन्य की पुकार सुनाई कभी ऐसा नहीं लगा इन्हें नहीं सुनानी थी बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया और तुम्हारे पास में भी बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया हूं तुम भी बस सुपात्र जीव हो हे चैतन्य परमात्मा मरते समय पर मरते समय ये पूरा एक एक माहौल उस समय उस प्रकार का हो गया उनका मुझे धर्म पता नहीं है हो वो सनातन धर्म वाले है हिंदू धर्म वाले है देरावासी है स्थानकवासी है मैंने पूछा ही नहीं है सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मेरी दादी मां बीमार है और दो दिन की मेहमान है कुछ सुनाने के लिए आप आ जाओ और अभी भी मुझे नहीं पता वहां जाकर क्या गया फोटो को देखा ही नहीं नहीं तो घर की फोटो को देखे कहीं ना कहीं तो पता चल जाता है कि यहां पर कौन देवी देवता की फोटो लगी आजकल तो उससे भी मुश्किल हो जाता है जैन का घर होता है और कौन कौन सी देवियों की फोटो होती है मगर उतना भी पता नहीं चला एक सुपात्र जीव जो अत्यंत प्रीति से दो हाथ जोड़ करके सुनने को तैयार हो गए तुम थे उधर नहीं थे थे न जिन्होंने देखा बस ऐसा ही उनके सामने ओह यहाँ कोई बेटा नहीं है यहाँ कोई बहु नहीं है यहाँ कोई परिवार नहीं है यहाँ बस चैतन्य है किसी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है किसी के प्रति मेरा विरोध नहीं है मैं चैतन्य बुढ़ापा ही मेरा नहीं है ये बीमारी मेरी नहीं है मैं चैतन्य ऐसा करते करते ज्ञान ऐसा उनका <स्थाथ> <तुछ>। <स्थाथ> <स्थाथ> ओ, हो, 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 हो। मेरे पास में साथ में ये थे ये रोने लगे इनको ऐसा लगा कि हमारी मौत की घड़ी में ऐसा मैंने कहा ना आपकी मौत की घड़ी में ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपने कभी सोचा आपकी मरने की घड़ी में कोई गुरु पास में आकर के सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे और उनको सुनने को मिल गया उनको सुनने को मिला उनका मरण के समय सुनने को मिला और मैं आपसे कहता हूं आपकी मृत्यु की घड़ी पर आपके गुरु सुनाने नहीं आएंगे नहीं आएंगे आपको नहीं आएंगे क्योंकि आपकी मृत्यु की घड़ी पर आप सुनेंगे नहीं आप बोलेंगे कोई मुझे बुलाना मत मैं अपने आत्म स्वरूप में सुनने जरूरत ही कहां है वहां सुन तो लिया जिंदगी भर उन्होंने जिंदगी भर नहीं सुना था इसने मृत्यु की घड़ी पर सुनना पड़ा तुमने तो जिंदगी भर सुन लिया अब तो समाने का टाइम आ गया हे चैतन्य परमात्मा ये समाने का टाइम आया है हे विरले ऐसा एक 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 ज्ञान दीपक जिन जिन को देखता हूं ना भगवान ये बंद कैमेरे वाले खुला कैमेरे वाले सभी को देखता हूं कैमरे के, के पीछे भी देख लेता हूं तुम्हें होगा ऐसा चैतन्य 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 नब्बे साल से अस्सी साल के सौ सौ साल के ऐसे ज्ञान दीपक अभी यहां देखा ना हमें रायपुर उतरा नाइनटी फाइव ईयर्स साल के ज्ञान दीपक पंचानवे साल रायपुर के एयरपोर्ट के ऊपर रायपुर के एयरपोर्ट के ऊपर 95 फाइव ईयर्स के ज्ञान दीपकों इंतजार करके बैठे ढाई घंटे तक एयरपोर्ट पर बैठे रहे शरीर काम नहीं करता पंचानवे बरस के शरीर हिल नहीं पा रहा है उतरने में उतरने तीन लोग हाथ पकड़े तब जाकर के गाड़ी से नीचे उतर पाए मगर ढाई घंटे से इंतजार करते रहे कितना भाव और मैं मुंबई उतरता हूं और कहता हूं मैं पहुंच गया हां उबर या ओला कर लो मुझे ही पता है उबर या ओला आती है मगर मैं तेरी कसौटी कर रहा था मैं वैसे भी नहीं आ रहा हूं उनके उनके भक्ति भाव को देख करके ऐसा लगा कैसा जीव का भक्ति भाव मैंने पहली बार काश कभी ऐसा कोई फोटो देखा नहीं होगा अक्सर लोग मेरे साथ में सेल्फी लेते हैं मगर मैंने उनको कहा आप रुको मुझे आप आपके साथ में सेल्फी लेनी है आपके साथ में मुझे फोटो खिंचानी है मैंने अपने हाथों से फोटो ली आप थे ना मैंने अपने हाथों से ली ऐसा परमात्मा पंचानवे साल की उम्र में भी मगर चैतन्य 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 सुनकर के ये चैतन्य 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 की पुकार सुनकर के अंतर में कार्य हो रहा है हे ज्ञान दीपक मृत्यु की घड़ी में तू सुनेगा नहीं तो मौन हो जाएगा तब फिर शरीर में खून की गति भी मंद होने लगेगी जैसे जैसे शरीर की खून की गति धीरे धीरे हो जाएगी हृदय की धड़कने मंद होने लगे जब तेरा दिमाग भी ऐसा हो सब धीरे 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 ऐसे ही शांत होने लगे और उस समय तुझे एकमात्र न्यायक देव जो उसके साथ में न मंद होता है न तीव्र होता है जो मात्र है बिल्कुल उसका भाव कैसा है मालूम है? बिल्कुल अलिप्त 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 बस उसे कोई लेना देना नहीं था बस जैसे जहाज सागर के ऊपर चलता हो और जहाज पर एक ध्वज होता है ध्वज लगा है वहां पर कपड़ा है उड़ रहा है उड़ रहा है मगर धीरे 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 हवा कम हो गई और वह अब कपड़ा अब उड़ता नहीं है धीरे 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 वो कपड़ा नीचे 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 अब झुक रहा है अब ध्वज लहरा नहीं रहा वो नीचे 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 और फिर पुराना भी हो गया अब ध्वज परिवर्तन करने का दिन आ गया नई धजा लग गई नई धजा लग गई ये होता है कि नहीं ऐसा मगर उस समय बस तो मैं जो तुझे कहता हूं ना उस स्थिति में उसको एब्सेंट होने का मतलब यह है इसका प्रयोग करना कि ध्वज बदल रहा है बदल जा रहा बदला जा रहा है बदला जा रहा है।, बदल है मगर अंतर में सागर की गहराई में जो शांत सागर है उस शांत सागर में कौन सा कपड़ा है कौन से कपड़े का परिवर्तन है कौन से कपड़े की गति है कौन से कपड़े की स्थिति है ऐसा ही ज्ञान का अनुभव उसमें नर जन्म की नहीं अनंत तो अनंत जन्मों की सार्थकता हो गई एक मृत्यु भी ऐसा नहीं हुआ अनादि काल से एक मृत्यु भी ऐसा नहीं हुआ हुआ तो आर्थ ध्यान से रौद्र ध्यान से ऐसे परिणामों के साथ में नगर ऐसी चैतन्य 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 की उस चैतन्य सागर की शांत शांत सत्ता बस अभी रात्रि में मिलेंगे हम सात बजकर चौबीस मिनट पर शाम को मिलेंगे ये जो ज्ञान दीपक खाली अटेंडेंस लगाने के लिए मजबूरी में आते हैं ना वो मेहरबानी करके थोड़ी करुणा करें जल्दी जल्दी आ जाओ आधा सत्संग पूरा होने के बाद में कुछ ज्ञान दीपक आज जुड़े हैं <laughs> क्योंकि मेरे पास में अभी समय भी लिखता हूं ना ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता है यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है ना इसलिए कौन आता है कितने बजे कितने बजे जाता है पूरी स्क्रीन पर ये यह, पर रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए आप सबको खास कहता हो आपका जब जूम चालू करते तो सुनाई देता है ना रिकॉर्डिंग इज इन प्रोसेस प्रोग्रेस प्रोसेस चल रहा है ना तो ऐसे ही यहाँ आपका रिकॉर्डिंग अभी स्क्रीन का भी चल रहा है पहले से बता देता हूं वो क्या है कि उनको कानून ऐसा है कभी भी किसी कंपनी को फोन करो कहते ना कि आपका फोन तालीम एवं गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है तो ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है तो आपका ये स्क्रीन भी आपको डराने के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता <laughs> <laughs> तो भगवान हम तो धन्य हुए यहाँ छत्तीसगढ़ में आकर इस दुकान को भी हमने तीर्थ बना दिया यहां पर समोसरण बन गया हम जहां जहां रहे बस वहां चैतन्य 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 ऐसे ही जब पता चले ना डॉक्टर कहे ना कि अब मृत्यु होने की तैयारी है जाने का टाइम हो गया है एक आदमी को जैसे पता चला कि बस डॉक्टर ने कहा चार घंटे बाकी है वो तो सीधा ही उठ गया वहां से दूसरा होता तो वो भी मर जाता ये चार घंटे वो उठ गया और सीधा स्मशान जाकर के वहां पर बैठ गया जिंदगी भर सबको बहुत हैरान किया अब मरने के बाद में भी हैरान करके मरना नहीं चला गया मरने के बाद एक जुल्म और करूंगा सभी लोग पैदल चलेंगे और मैं कंधों पर चलूंगा वो जुलम नहीं करना था वो पहले से ही पहुंच गया हम मरने से पहले स्मशान पहुंचे या न पहुंचे चैतन्य में निवास करे स्थिर हो जाए ऐसी पवित्र भावना बातें है आप समस्त ज्ञान दीपकों को तात्कालिक दोनों बार सत्संग के लिए बुलाना पड़ा मगर आज सत्संग करना ही था इसलिए अचानक बुलाया समय की बहुत कमी है इतनी जगह जाना होता है न इतनी जगह लोग कहते हमारे घर हमारे घर हमारे घर उसमें भी कोई ऐसे इमरजेंसी केस आ जाते हैं इमरजेंसी केस इसलिए बोलता हूं ये तो डॉक्टर के होते हैं ना इमरजेंसी केस इसमें तो बड़ा इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है सदगुरु वैद सुजान सदगुरु वैद्य वैद्य सुजान आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्यो अहो सिंधु अपार पामर पर प्रभु किया आहो आहो